नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ICT वाईफाई एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, जो 16 अक्टूबर 2022 को जो PET का एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, यानी जो उसका क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे आज के टॉपिक में। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो हिंदी का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है, समश्रुत शब्द अली अली शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। देखिए, इसका जो सही आंसर था वह इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भावना सखी इसका राइट ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन को चूज करना है, यानी आपको यहाँ पर ए ऑप्शन को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से आपको लगाना था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भौरा सखी, तो इसको आपको लगाना है। फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है, दूसरा जो क्वेश्चन है वह है नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, जो नागर का जो पर्यायवाची शब्द है वह है चतुर, यानी इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप ऑप्शन सी को अटेम्प्ट किए हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड फिर ऑप्शन है हमारे पास सन्यासी का विलोम शब्द है, इसका जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जल्द से बताइए क्या होता है सन्यासी का विलोम शब्द। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सन्यासी का जो विलोम शब्द होता है वह होता है ग्रस्त, तो इसका जो राइट अटेम्प्ट लगाना है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसमें राइट ऑप्शन है, आप राइट को ही चूज करें। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं कोल्हू का बैल होना का अर्थ क्या है। तो इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो राइट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, बुरी तरह से काम में लगे रहना, यानी कोल्हू का बैल होने का अर्थ है बुरी तरह से काम में लगे रहना। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा बुरी तरह से काम में लगे रहना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं, जैसे कि हमारे पास सरल कीजिए, जैसे हमारे पास 7.6 प्लस 84 स्क्वायर माइनस 76 माइनस 84 स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है। इसका जो सही आंसर था वह था ऑप्शन बी, यानी जो इसका आंसर रहेगा वह रहेगा 4, यानी आपको इसका 4 ऑप्शन राइट आंसर है। फिर बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है हमारे पास वह ऑप्शन है 9 प्लस 4 हमारे पास इस तरह से दे रखा है, तो इसका ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका दिस करेक्ट आंसर। तो आप इस तरह से ये ऑप्शन थे इसके अंदर। फिर उसके बाद में आपको पूछेगा कुछ शब्द का हिंदी का संधि विच्छेद करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास धरेस का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों, धरेस का जो संधि सही संधि विच्छेद है वह हो जाएगा धरा प्लस ईस, तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। आप ऑप्शन डी को लगा के आए हैं या नहीं आए हैं, और आप कितने अटेम्प्ट करके आए हैं एग्जाम में, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर जो नेक्स्ट पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यह है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA की राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में, तो इसमें आ जाएगा आपका ओडिशा राज्य शीर्ष पर है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए ये राइट आंसर है इसका, तो ओडिशा हमारे राज्य शीर्ष पर है, ये आपको सही अटेम्प्ट करना था। फिर उसके बाद में ऑप्शन मिलेगा आपको 19, निम्नलिखित में से कौन से देश ITU2 ग्रुपिंग से संबंधित है, तो इसके अंदर हो जाएगा भारत, इजराइल, UAE, USA, यानी इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी, दिस राइट ऑप्शन। एंड उसके बाद हमारे पास है भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉसकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है यानी जो साझेदारी की थी वो किसने की है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास रूस, यानी इसका जो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो साझेदारी की थी वो
रूस ने की थी। तो इसके अंदर ही कुछ क्वेश्चंस थे, इस तरह से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारे पास रूस। रूस इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो रूस आपको अटेम्प्ट करना था। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारे पास है भारत सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटॉम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा रूस हो जाएगा। दिस इज ऑप्शन ए, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो आपको इसमें रूस अटेम्प्ट करना था दोस्तों। फिर उसके बाद में जो ऑप्शंस है हमारे पास वह है, जो हमारे पास निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राइट रहेगा, नागालैंड में शुरू की गई दोस्तों। इस तरह से आपको लगाना था। फिर इसके अंदर 23 क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लोक प्रशासन के लिए। ये ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन चूज करना है। 24 यानी निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? देखिए जो उद्घाटन किया गया वो उत्तर प्रदेश में किया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद में ऑप्शन आएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम की खनन भंडार पाए गए? तो इसके अंदर देखिए जो यूरेनियम की जो खनन भंडार पाए गए हैं वो राजस्थान में पाए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? देखिए जो ओमान की राजधानी है वो मस्कट है, यानी वो क्लास में आपको पढ़ाया भी होगा मस्कट, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद में ऑप्शन मिलेगा हमारे पास, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो इसके अंदर जो शुरू की है वह किसने की है? तो वो आ जाएगा बजाज, यानी जो इसके अंदर बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस है उसने इनके जो योजना शुरू की है। तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद हमारे पास है 28 बियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई का इस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी एस मनी ने इसको लॉन्च किया। फिर उसके बाद में ऑप्शन है हमारे पास, निम्नलिखित से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप हैं? तो देखिए इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन ए इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, श्रीलंका और मालदीव, ये हमारे पास इसके पड़ोसी द्वीप हैं। तो आपको ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। फिर उसके बाद में ऑप्शन हमारे पास और मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? दोस्तों ये आपने पढ़ा भी होगा, और उदयपुर को इसमें सफ़ेद शहर कहा जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास जो आदर्श अनुच्छेद के बारे में आपसे डिस्कस किया गया था, सॉरी वन मिनट थोड़ा आगे हो गया, अभी आपको आपका जो क्वेश्चन चल रहा था किस राजधानी में है, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इस राइट आंसर था उदयपुर, ये हो गया आपका। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो देखिए इसके अंदर कवरत्ती भी है, दुमन भी है, पंडुचेरी भी है। तो आइजोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका आइजोल दिस इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे लगाना था। फिर उसके बाद में ऑप्शन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गणेश मावलंकर।
फिर उसके बाद में है हमारे पास भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपको पता ही है, 1 मई को हमारे पास भारत में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद में ऑप्शन है हमारे पास, कुछ ऑप्शंस इस प्रकार हैं जैसे कि हमारे पास दे रखा है हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है वो है हमारे पास प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद जो ऑप्शन पूछा गया है नेक्स्ट है हमारे पास संगाई महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मणिपुर में किया जाता है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जिसका जो राष्ट्रीय खेल है वो होता है बेसबॉल, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर उसके बाद में ऑप्शन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी थी। तो इसके जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की पुस्तक को लिखा था। फिर उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमारे पास अनुच्छेद और आर्टिकल से संबंधित हमारे पास डिस्कशन करना है। उसके बाद हमारे पास है ये नेता यह प्रकार ने साम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। देखिए जो नेताओं का गंतव्य कौन सा है, सबसे सही तर्क उत्तर कौन सा रहेगा। तो जनता द्वारा दिए गए वोटों के द्वारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फ़ायदा उठाते हैं। सही ऑप्शन उत्तर कौन सा रहेगा इसमें, तो चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त चीज़ें देने का वायदा करते हैं। फिर उसके बाद में ऑप्शन है हमारे पास गरीब जनता को कपड़े और पैसे बांटते हैं, गुंडों और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर तिकड़म करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दल बदल करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, यानी चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त चीज़ें देने का वायदा करते हैं। फिर उसके बाद में नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित हों, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, सबसे सही तर्क उत्तर कौन सा है। तो ऑप्शन ए में इसका ऑप्शन दे रखा है शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वी, लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग अपने वोट के लिए किए गए झूठे वायदों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। तो ऑप्शन इस बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वे ऑप्शन ए, आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में है नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं, सबसे सही उत्तर कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को यहाँ पर अटैम्प्ट आपको करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे पास है अपने दुर्भाग्य को कौन को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर, ऑप्शन ए बी में दे रखा है ज्योतिषी को अपनी जन्मपत्री दिखाकर, सी दे रखा अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा, ऑप्शन डी सुबह उठकर चींटियों को दाना खिलाने से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक होते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता, संतुष्टि, आत्मविश्वास, ये सभी क्या हैं, रचनात्मक होते हैं। हमारा जीवन कब निराश के अंधकार में भर जाता है, तो हम घात ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यानी जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता पर प्रभावित रहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पर ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको सी अटेम्प्ट करना था सी। देखिए अब की बार जो ग्राफ में
जो पैट में जो ग्राफ आया है बहुत तेज़ी देखा जाए तो अगर आपने तैयारी किया होगा अच्छे से तो आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट किए होंगे। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप कितने अटैम्प्ट करके आए और आपका कितना सही गया है, और ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे सभी विषयों में 60% उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। दोस्तों इसमें दो थी, आपको यहाँ पर दो लगाना था, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऑप्शन है सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने थे, तो इसका सही ऑप्शन 442 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद में हमारे पास है निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है, तो इसके अंदर गणित में सबसे न्यूनतम प्रतिशत है, इसको आपको चूज करना था। फिर उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे और भी हैं जो ग्राफ दे रखा है। हमारे पास एक कंपनी का पूछा है, यानी एक एक्स नाम की कंपनी है, वर्ष 2016 में किसके दौरान एक्स कंपनी में द्वारा निर्मित कारों की किस प्रकार की संख्या अधिकतम है। तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका जो यानी ई की कारों की संख्या अधिक है, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद में ऑप्शन मिलेगा हमारे पास वर्ष 2016-21 में ए के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10.87% की वृद्धि हुई। उसके बाद पिछले वर्षों में किस प्रकार के उत्पादन में सतत वृद्धि हुई, तो इसका नॉन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद वर्ष 2018-21 के दौरान डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 4.35 की कमी हुई। तो इस तरह के क्वेश्चंस पैट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और आई होप कि जो भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं जीके के वो आपने सही लगाए होंगे और सही अटेम्प्ट आपने किया होगा। मेहनत कीजिए और मेहनत से आप तैयारी कीजिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अगर आपने आईसीटी वाईफाई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो पैट की फर्स्ट शिफ्ट का भी हम वीडियो आपको बना करके अपलोड कराएंगे, सेकंड शिफ्ट का है 16 अक्टूबर का है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है दिल्ली सल्तनत पर निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आप सही करके आए हैं तब, तो इसका ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आप आईसीटी वाईफाई एकेडमी चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको एजुकेशन संबंधित यहाँ पर डेली वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।